कारगिल युद्ध की याद के कारगिल विजय दिवस जिला गुरदासपुर के दीनानगर के मनाया गया, जिस एंटी टैरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के चेयरमैन मनजिंदरजीत सिंह बिट्टा ने खास तौर पर शिरकत की, जिथे इस युद्ध शहादत का जाम पीन वाले शहीद जवानों उन्होंने वालों नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। उत्थे ही इस युद्ध की जित का सेहरा अपनिया फौजा के जवानों की बहादुरी के सिर दिता गया। तो इस मौके शहीदों के परिवारों भी उन्होंने वालों सन्मानित किया गया। तो उधर पत्रकारों के नाल भी इस मौके बिट्टा दे वल्लों गलबात की गई। मीडिया के नाल रूबरू होंदे हुए की कहना सी उन्हां दा, आओ सुनांदे आ तुहानू। कारगिल दा युद्ध एक बड़ा भयानक युद्ध सी। उसले मुशर्रफ सी राष्ट्रपति, उत्थों दे साडी पिट ते छुरा खो पिया सी। साडे बहादुर जवानां ने जिहदे नाल कर्नल साहब सामने बैठे ने बड़ी बहादुरी दे नाल उहदा मुकाबला कीता। कोई ऐसा हिंदुस्तान दा इहो जिहा स्थान नहीं थी जिथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयां दे खून दे बने तिरंगे दे विच उहनां दी बॉडी ना आई हो। पर उस तों बाद साडियां कई सरकारां दीआं कमजोरियां दे नाल पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में 26/11 की घटना, जगह जगह पे टेररिज्म आया। पर जिस स्थान पे बैठा हूँ, दीनानगर और पठानकोट की घटना, जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए थे एक शांति का संदेश लेके, जो हमको ये पता नहीं था कि वो जा भी सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, उस पाकिस्तान में जहाँ से टेररिज्म पलता फूलता है, और उन्होंने कहा हम अमन शांति चाहते हैं। और मुझे ये पता था कि वो गए हैं, ये हमारी पीठ पे छुरा मारेगा पाकिस्तान, हमने बोला भी था उसको। पर चलो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य बनता था कि उधर हो या इधर हो अमन शांति होनी चाहिए। हमारी पीठ पे छुरा मारा कुछ महीनों के बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना। दीनानगर और पठानकोट की घटना ने 370 धारा हटाई, पुलवामा की घटना ने 370 धारा हटाई। हमारे जवानों पर रोज शहादतें होती थी, रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे। आज आतंकवाद से इस भारत को मुक्त किया गया है सिर्फ दीनानगर और पठानकोट की घटना के बाद। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले नहीं। एक गोली चलती है, हमारा जवान 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़ा है। अब दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता आज का ये भारत है। किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? जिस तरीके ना गैंगस्टरवाद पैदा हो गया, इन्हें रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज कितने कितने गोली चल रही है। ये तैयार किसने किए थे पिछले 15 सालों में? हम पॉलिटिशियनों ने किए थे। हमारी गलतियों से पले पुले थे, चार दिन में तो पले नहीं। ये गैंगस्टर, ये और कई ऐसी चीजें आज नहीं पली, ये पिछले 15 सालों में जो हम पॉलिटिशियनों ने राजनीति को एक धंधा बना लिया, अपने घर भरने शुरू किए। 36,000 बेगुनाहों की शहादत, हिंदू सिख 9 मास्त का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, ठीक। कुर्बानियों के बाद हमने क्या कर्तव्य को पूरा किया? आज हमारी फोर्सेस, बीएसएफ के डीआईजी साहब सामने हैं, हमारी बहन सामने है, आज हमारी फोर्सेस मौत का कफन बांध करके कड़क सर्दी कड़क गर्मी के बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने जिम्मेदारी को क्या निभाया, ये सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। गैंगस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखाई है, गोली का जवाब गोली दिया है। कल मैं जवानों को मिलके आया, उनके शरीर पे गोलियां लगी, एक शुरुआत हो चुकी है। हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं, ये आज का हमारा भारत है, हमारी फोर्सेस पूरा काम कर रही है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि विदेशों के अंदर जो बैठे हैं, आज आपने पढ़ा होगा कनाडा के अंदर फायरिंग हुई, गैंगस्टर टेररिस्ट खालिस्तानी सब इकट्ठे मिल चुके हैं। हम पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जब पंजाब में अमन शांति लाने के लिए एक हुई थी, हमें अमन शांति चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें आज सबको एक होना होगा।